हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के पेमेंट के स्टेटस के बारे में। अगर दोस्तों आपने भी अपना ई श्रम कार्ड बनवा रखा है या फिर दोस्तों आपने अपने ई श्रम कार्ड को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो आपको अपने ई श्रम कार्ड को अपनी ई केवाईसी से दोस्तों अपडेट जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने अपने ई श्रम कार्ड को अभी तक अपडेट नहीं किया है तो दोस्तों आपका जो पेमेंट है वो दोस्तों नहीं आ पाएगा। तो आज की वीडियो हम जानेंगे आप किस प्रकार से अपने ई श्रम कार्ड की जो पेमेंट है उसका स्टेटस दोस्तों आप किस प्रकार से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आपको आगे स्क्रीन पर दिखाएंगे कि आप किस प्रकार से अपने जो भी मोबाइल फ़ोन से ही अपने ई श्रम कार्ड का जो 1000 का पेमेंट है आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन के द्वारा ही चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर जल्द ही दोस्तों 10K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इसी तरह से अपनी सपोर्ट और दोस्तों प्यार बनाए रहे तो दोस्तों जल्दी हमारे चैनल पर दोस्तों 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि आप किस प्रकार से जो भी अपने ई श्रम कार्ड का जो पेमेंट का स्टेटस है वो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। SSB टाइप करेंगे, उसके बाद आपको कर देना है सर्च। दोस्तों इस वेबसाइट का जो लिंक है वो दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस है ओपन होकर आ जाता है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है मुख फ्रस्ट, कामगार पंजीकरण, हमारे बारे में, योजनाएं, चित्र एंड पोर्ट सदस्य, ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, आपको चेक करना है ई श्रम कार्ड की पेमेंट का पैसा। तो दोस्तों आपको लास्ट वाला जो ऑप्शन मिलता है ई श्रम कार्ड, आपको जस्ट इस पर ही क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है मोबाइल नंबर डालने का एक ऑप्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं ये मोबाइल नंबर कौन सा यहाँ पर फिल होगा। तो जो दोस्तों आपने अपना मोबाइल नंबर ई श्रम कार्ड बनवाते समय दिया है वही मोबाइल नंबर आपको इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपने ई श्रम कार्ड में लगवाया है यानी रजिस्टर कराया है। उसके बाद आपको करना है सर्च वाले बटन पर क्लिक। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं और सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो दोस्तों आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर को फिल कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही आप अपने मोबाइल नंबर को फिल करके सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपका जो इंटरफेस है ओपन होकर आ जाएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना, आपका नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों आपके पिताजी का नाम जो भी है वो यहाँ पर मिल जाएगा, आपका जो भी एड्रेस है वो दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका जो भी जिला होगा वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा और जो भी पेमेंट आई होगी वो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर स्क्रीन पर मिल जाएगी। दोस्तों इनकी जो पेमेंट है 1000 रुपये की इनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई, जो कि दोस्तों यहाँ पर शो हो रही है, और दोस्तों इनकी जो पेमेंट का स्टेटस है वो भी दोस्तों यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। इसी प्रकार दोस्तों आप किसी दूसरा नंबर डालेंगे तो दोस्तों उसकी भी पेमेंट आई होगी, पेमेंट तो दोस्तों वो भी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। दोस्तों हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं दूसरी कोई पेमेंट आई होगी यानी दूसरे व्यक्ति का कोई भी अकाउंट मोबाइल नंबर है वो डालकर आपको स्क्रीन पर दिखाने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप कहेंगे कि आपने एक ही व्यक्ति का यहाँ पर दिखा दिया, आपने दूसरे व्यक्ति का नहीं दिखाया, तो दोस्तों हम यहाँ पर एक दूसरा नंबर डाल देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर दूसरा एक नंबर डाल दिया, हम दोस्तों यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो इनका भी दोस्तों यहाँ पर जो पेमेंट है वो यहाँ पर आ चुका है। आप लाइव प्रूफ यहाँ से देख सकते हैं इनका दोस्तों पेमेंट यहाँ पर जो है, ये लेडीज है, इनका पेमेंट यहाँ पर आ चुका है। इनका नाम, इनके पति का नाम, इनका एड्रेस, उसके साथ साथ दोस्तों इनकी जो पेमेंट आई है 1000 रुपये की वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो पेमेंट आया है वो भी इनका यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। तो आप इस प्रकार से अपने जो भी ई श्रम कार्ड है उसकी पेमेंट आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर आपकी पेमेंट यहाँ पर नहीं आ रही है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपका नो रिकॉर्ड फंड आ रहा है तो दोस्तों आपको क्या करना है, अपने जो भी बैंक अकाउंट है, जो भी आपने अपना बैंक अकाउंट लगाया है उस बैंक अकाउंट में आप चेक कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपको आपका बैंक अकाउंट भी नहीं पता आपने कौन सा अपना बैंक अकाउंट लगाया है तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर बैक आना होगा और बैक आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, ऑलरेडी रजिस्टर के सामने एक ऑप्शन मिलता है अपडेट का, तो दोस्तों आपको यहाँ पर अपडेट वाले बटन पर ही क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपडेट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो भी कार्ड होगा, UN नंबर जो भी कार्ड में होता है वो आपको डालना। अगर दोस्तों आपके पास UN नंबर यानी कि जो आपका कार्ड होता है ई श्रम कार्ड वो भी नहीं आपके पास तो आपको क्या करना है,
मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो। तो अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, अगर आपके पास कार्ड है तो आपको यूएन नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है और ये कैप्चा फिल करना है, जनरेट ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके ओटीपी को वेरीफाई करना है और आपको अपना जो भी अकाउंट नंबर लगा हुआ है वो चेक कर लेना है। अगर दोस्तों आपके पास ये कार्ड नहीं है तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको आना है ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन पर। तो जैसे हम ऑलरेडी रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आते हैं तो आपको मिलता है अपडेट प्रोफाइल का एक ऑप्शन एंड मिलता है अपडेट डाउनलोड एंड यूएन कार्ड, तो आपको नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आता है। जो भी दोस्तों आपका मोबाइल नंबर है वो ई श्रम कार्ड में लगवाया होगा वही मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ये जो कैप्चा है ये दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में फिल करना है एंड उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सेंड ओटीपी वाले बटन पर क्लिक करके आपको सेंड ओटीपी कर देना है। जैसे आप ओटीपी को वेरीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों आपका जो भी अकाउंट नंबर होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं अपने अकाउंट नंबर को। और दोस्तों उस अकाउंट नंबर में आपका कोई पेमेंट आई है नहीं आई है तो दोस्तों आप अपनी बैंक में देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका इस वाली वेबसाइट से, क्योंकि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया UPSSB वाली वेबसाइट से अगर आपका पेमेंट शो होता है तो दोस्तों 100% आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई होगी। तो आई होप दोस्तों आप समझ में होंगे आप किस प्रकार से अपने ई श्रम कार्ड की पेमेंट को यहाँ से आसानी से चेक कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आने वाले नए नए नोटिफिकेशन और नई जानकारी आपको तुरंत मिलती है। थैंक यू सो मच।